वहीं पाकिस्तान भारतीय कश्मीर को गुलाम कश्मीर कहकर बुलाता है। मैं अपने प्रांत से बहिष्कृत, अपने परिवेश से तिरस्कृत, अपने अवांछित अस्तित्व के लिए हर कदम पे दंडित हूँ, क्योंकि मैं एक कश्मीरी पंडित हूँ। ये पंक्तियां उस दर्द को बयां करती हैं, जिसे सालों से कश्मीरी पंडित जी रहे हैं। क्योंकि जम्मू कश्मीर को पाक कबालियों से आजादी तो मिली, लेकिन शांति कभी नहीं मिली। ۱۹۸۵ में अलकायदा की स्थापना के बाद बाकी सारी दुनिया की तरह भारत में भी मुस्लिम जिहादियों को नए सिरे से इकट्ठे होने का मौका मिला। जिसका परिणाम कश्मीर घाटी में 1989 और 90 में देखने को मिला। मुस्लिम जिहादियों ने कश्मीर घाटी में हिंदू मिटाओ हिंदू भगाओ अभियान छेड़ दिया। इसके बाद शुरू हुआ कश्मीर घाटी को हिंदू वहीन बनाने का षड्यंत्र। ۱۹ जनवरी 1990 का दिन कश्मीरी पंडितों के इतिहास खंड में काले अक्षरों में लिखा जाएगा। यह वह दिन है जो पाक जिहादियों ने कश्यप भूमि की संतानों को अपनी ही धरती से बड़ी बेरहमी से बेदखल कर दिया और धरती के स्वर्ग में रहने वाला यह शांतिप्रिय समुदाय दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गया। यह वही काली तारीख है जब लाखों कश्मीरी पंडितों को अपनी जन्मभूमि कर्म भूमि अपने घर को अलविदा कह छोड़कर अपने ही देश में शरणार्थी बनना पड़ा। दरअसल विश्व में बढ़ते इस्लामीकरण की फैलती आग धीरे धीरे मुस्लिम बहुल कश्मीर में भी पहुंच गई और यह खूबसूरत वादी उसकी चपेट में आकर झुलस गई। कौन नहीं जानता था कि कश्मीर से पंडितों के पलायन के पीछे जिहादी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन की भड़काऊ नीति जिम्मेदार रही है। 4 जनवरी 1990 को इस संगठन ने एक प्रेस नोट जारी किया, जिसे कश्मीर के उर्दू समाचार पत्रों आफताब और अल सफा ने प्रमुखता के साथ छापा। प्रेस नोट में हिंदुओं को कश्मीर छोड़कर घाटी से चले जाने का आदेश दिया गया था। इस आदेश के बाद कश्मीर में शुरू हुआ खूनी खेल। कश्मीरी पंडितों की चुन चुन कर खुलेआम हत्याएं की गई। कश्मीर दूरदर्शन के निर्देशक लसा कौल, राजनीतिक कार्यकर्ता टीका लाल टपलू, नर्स सरला भट्ट, जज नीलकंठ गुरटू, साहित्यकार सर्वानंद प्रेमी बालकृष्ण गंजू जैसे दर्जनों बेकसूर कश्मीरी पंडितों को मौत के घाट उतारा गया। कश्मीर के मस्जिदों के लाउडस्पीकर, जिनसे अब तक सिर्फ अल्लाह अकबर की आवाजें आती थी, अब भारत की ही धरती पर हिंदुओं से चीख चीख कर कहने लगे कि कश्मीर छोड़कर चले जाओ। और अपनी बहू बेटियां हमारे लिए छोड़ जाओ। इतना ही नहीं, अगर कश्मीर में रहना है तो अल्लाह अकबर कहना होगा। हमें पाकिस्तान चाहिए, पंडितों के बगैर लेकिन पंडित महिलाओं के साथ।
और तो और जगह जगह दीवारों पर पोस्टर चिपकाए गए कि सभी लोग कश्मीर में इस्लामी कपड़े पहने, कश्मीरी पंडित महिलाएं बिंदी ना लगाएं। सिनेमा घरों पर बैन लगा दिया गया, कश्मीरी हिंदुओं की दुकानें, मकान और व्यापारिक जगहों को चिन्हित कर दिया गया ताकि इन्हें बाद में लूटा जा सके या इन पर कब्जा किया जा सके। यहां तक कि लोगों की घड़ियों का समय भी भारतीय समय से बदलकर पाकिस्तानी समय के मुताबिक करने का फतवा जारी किया गया। 24 घंटे में कश्मीर छोड़ दो या फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ, काफिरों का कत्ल करो जैसे नारे और संदेश कश्मीर की फिजाओं में गूंजने लगे। इस्लामिक दमन का घिनौना रूप जिसे भारत सदियों तक झेलने के बाद भी मिलजुल कर रहने के लिए भुला चुका था, एक बार फिर अपना विकराल रूप लेने लगा था। लोगों की नजरें प्रशासन पर गई, लेकिन प्रशासन तो ठप पड़ा था या मूक दर्शक बनकर अपनी लाचारी का मातम मना रहा था। हुक्मरान सुरक्षा कवच में थे या फिर घाटी छोड़कर भाग खड़े हुए थे और बद अमनी का माहौल फैला हुआ था, जिसके बाद सारे कश्मीरी मुस्लिम सड़कों पर उतर आए। उन्होंने कश्मीरी पंडितों के घरों को जला दिया। कश्मीर पंडित महिलाओं का बलात्कार करके फिर उनकी हत्या करके उनके शरीर को पेड़ पर लटका दिया गया। कुछ महिलाओं को जिंदा जला दिया गया और बाकियों को लोहे की गर्म सलाखों से मार दिया गया। बच्चों को स्टील के तार से गला घोटकर मार दिया गया। कश्मीरी महिलाएं ऊंचे ऊंचे मकानों की छतों से कूद कूद कर जान देने लगी और देखते ही देखते कश्मीर घाटी हिंदू वहीन हो गई और कश्मीरी पंडित अपने ही देश में विस्थापित होकर दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो गए। वादी से खदेड़े जाने के बाद ये लोग शरणार्थी सीवरों जम्मू और दिल्ली में या फिर देश के दूसरी जगहों पर रह रहे हैं। माना जाता है कि 3 लाख के करीब कश्मीरी पंडित जिहादियों के जोर जबर की वजह से घाटी से भागने पर मजबूर हुए। कभी साधन संपन्न रहे ये लोग आज जरूरी चीजों के लिए मोहताज हैं। लेकिन आज भी उन्हें तो बस उस दिन का इंतजार है जब वे ससम्मान अपनी धरती पर वापस जा सकेंगे। न्यूज डेस्क, नेशन लाइव। डॉक्टर आर्थो आयुर्वेदिक तेल और कैप्सूल घुटना कंधा कमर चाहे जैसा दर्द हो, ये मुझे देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। अरे भैया तुम्हें कब्ज है क्या? लोग ऐसी गंभीर समस्या को हंसी मजाक में उड़ाते हैं। कब्ज कहने के लिए तो एक समस्या है पर हजार